हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू ईवीएस। प्लीज टेक दिस मार्वल सेमेस्टर सीरीज सीनियर केजी बुक 1। टर्न टू पेज एंड ओपन पेज नंबर 61। राइट हियर टुडेज डेट। ओके, टॉक अबाउट रेप्टाइल्स। आज हम रेप्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, टिक दी रेप्टाइल्स। इसमें से जो रेप्टाइल्स है उसके पास में जो बॉक्स है उसमें हमें टिक करना है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं आपको पता है? जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके लेग्स नहीं होते हैं, और जिसके लेग्स होते हैं पर छोटे लेग्स होते हैं उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ओके, मतलब जिसके लेग्स नहीं होते हैं और छोटे फोर लेग्स होते हैं उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? टॉर्टॉइज है ना, इसके देखो फोर लेग्स होते हैं छोटे छोटे, तो हमें यहाँ पर टिक करना है क्योंकि टॉर्टॉइज एक रेप्टाइल है। ओके, अब ये देखो, ये क्या है? क्रोकोडाइल है ना, उसके भी छोटे छोटे फोर लेग्स होते हैं तो ये रेप्टाइल है, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। अब ये देखो, ये क्या है? डॉग, तो डॉग एक एनिमल है पर वो रेप्टाइल नहीं है, तो हमें यहाँ पर टिक करना है नो। ये क्या है? लिजार्ड। यहाँ पर देखो लिजार्ड के लेग्स है ना, फोर लेग्स है छोटे छोटे, तो ये रेप्टाइल है। ओके, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। ये क्या है? कैट। कैट रेप्टाइल नहीं है इसलिए हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। ओके, ये देखो, ये क्या है? रैट। तो रैट रेप्टाइल नहीं है तो हमें यहाँ पर टिक नहीं करना है। ये क्या है? रैबिट। रैबिट रेप्टाइल नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। ये क्या है? स्नैक। स्नैक है ना, स्नैक के लेग्स नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसके लेग्स नहीं होते हैं और फोर शॉर्ट लेग्स होते हैं वो रेप्टाइल है, तो स्नैक के लेग्स नहीं होते हैं तो स्नैक रेप्टाइल है, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। ओके, हमारा 61 नंबर का पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम 62 नंबर का पेज ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। अब देखो, फीड सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द जू। हमें यहाँ पर क्या करना है? जो एनिमल्स है और यहाँ पर एनिमल के फूड है। ओके, तो कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाता है वो हम पहले देखेंगे। ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। ये बैर। फिर ये डियर। और ये मंकी। अब ये देखो, ये क्या है? ग्रास। बनानास। फिर ये शुगर कैन। और ये फिशिस। ओके, व्हाट डज द एलिफेंट ईट्स? यस, एलिफेंट क्या खाता है? शुगर कैन। ओके, फिर ये क्या है? बैर। व्हाट डज द बैर ईट्स? यस, फिशिस। बैर फिशिस खाता है। फिर ये क्या है? डियर। व्हाट डज द डियर ईट्स? यस, ग्रास। डियर ग्रास खाता है। और ये कौन सा एनिमल है? मंकी। व्हाट डज द मंकी ईट्स? यस, बनानास। मंकी बनानास खाता है। ओके, तो अब हमें एलिफेंट से लाइन ड्रॉ स्टार्ट करके यहाँ तक
ज्वाइन करना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो पहले आपको यहाँ से इसे नीचे जाना है, फिर ये देखो यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो गया तो हम इस तरफ नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ पर फिर से ब्लॉक हो गया है तो यहाँ से नीचे जाना है और नीचे, अब यहाँ पर स्टॉप, क्योंकि यहाँ से रास्ता ब्लॉक है तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब आप देखो टू वे है, ओके, तो कौन से रास्ते पर जाएंगे हम? ऊपर? नो, क्योंकि एलिफेंट का फूड नीचे की तरफ है तो हमें नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है और एलिफेंट का फूड कहाँ पर है? इस तरफ, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर से दो रास्ते आ गए तो हम कौन सी तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमें नीचे जाना है, फिर यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है तो हम इस तरफ जाएंगे। ओके, और यहाँ से नीचे। आपको समझ में आया? ओके, अभी ये क्या है? बैर। बैर का फूड कौन सा है? फिशीज, तो बैर को फिशीज तक पहुँचाना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, पहले रास्ता नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लॉक हो गया है तो हम इस तरफ जाएंगे, अब यहाँ से सीधा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है तो हम राइट साइड पर जाएंगे। ओके, अब यहाँ से दो रास्ते हैं पर बैर का फूड तो इस तरफ है तो हम यहाँ से उस तरफ जाएंगे, फिर रास्ता ब्लॉक है तो नीचे जाना है, फिर से इस तरफ जाएंगे हम। अब फिशिस तक पहुँचना है तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर फिर से ब्लॉक हो गया तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, अब यहाँ से नीचे, फिर राइट साइड, और देखो हम फिशिस तक पहुँच गए। ओके, अब हमें डियर को ग्रास तक पहुँचाना है। ओके, तो यहाँ से लाइन शुरू करेंगे हम, पहले नीचे की तरफ जाएंगे, अब यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक है और ग्रास इस तरफ है तो हम यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ से सीधा नीचे की तरफ। ओके, अब यहाँ पर रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। अब क्या करना है? देखो ऊपर जाएंगे हम? नहीं, क्योंकि डियर का फूड तो नीचे की तरफ है तो हमें नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर तो रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया तो हमें यहाँ से नीचे जाना है, फिर ग्रास इस तरफ है ना तो यहाँ से हम इस तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर से यहाँ पर नीचे, अब यहाँ पर जाएंगे? नहीं, ये तो बनानाज है, डियर का फूड तो ग्रास है तो हमें ग्रास की तरफ जाना है, अब यहाँ से नीचे। ओके, ये क्या है? ये मंकी है। मंकी क्या खाता है? यस, बनानास। तो मंकी को बनानास तक पहुँचाना है तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो यहाँ से पहले हम नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर देखो रास्ता ब्लॉक है तो हम इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे वापस? नो, बनानास तो नीचे की तरफ है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, अब यहाँ पर रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया है तो हम इस तरफ जाएंगे। ओके, अब ऊपर की तरफ जाना है? नहीं, इस तरफ? नो, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। ओके, अब बनाना इस साइड है तो हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे? नो, यहाँ से सीधा जाना है, अब बनाना नीचे की तरफ है तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ओके, अब हम पेज नंबर 63 ओपन करेंगे,
यहाँ पर पहले आपको आज की डेट लिखनी है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। ये क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो हमें आज बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल सीखनी है। ओके, नंबर द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमें यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, ओके, राइट ऑर्डर में लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, वी कैन सी लीफ एंड एन एग ऑफ अ बटरफ्लाई। कैन यू सी इट? यस, ओके। दिस एग स्लोली ग्रोज बी एंड व्हेन इट इज हैच यू कैन सी दिस कैटरपिलर। द कैटरपिलर ईट्स लीव्स ऑफ द ट्री फॉर फूड। दिस गोज ओनली फॉर मैनी डेज। देन वन फाइन डे व्हेन द कैटरपिलर इज नो मोर हंग्री, इट स्टॉप्स ईटिंग द लीव्स बट कंटिन्यूज टू रेस्ट नियर द लीव्स। इट डेवलप्स अ कवरिंग अराउंड इट्स बॉडी। दिस स्टेज इज प्यूपा स्टेज। ओके, देर आर मैनी चेंजेस विच टेक प्लेस इन साइड द कवरिंग। आफ्टर 15 डेज और मोर वी कैन सी एन एडल्ट बटरफ्लाई विच कम्स आउट ऑफ द कवर। सो चिल्ड्रन, दिस स्टेज इज लास्ट स्टेज। ओके, तो अब हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर 1, फिर एग में से कैटरपिलर बनता है तो यहाँ पर 2, फिर दिस स्टेज इज प्यूपा स्टेज, थर्ड स्टेज है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और लास्ट स्टेज इज 4, मतलब एडल्ट बटरफ्लाई। ओके, तो बच्चों अब हमें 65 नंबर का पेज ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, टॉक अबाउट बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई। टिक द बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई। हमें उस बर्ड के पास टिक करना है जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखो ये कौन सा पिक्चर है। क्रो। क्रो तो फ्लाई कर सकता है, आप सबने तो देखा होगा, तो हमें क्रो में टिक नहीं करना है। अब ये पिक्चर देखो, ये कौन सा है। किंगफिशर। किंगफिशर भी फ्लाई कर सकता है, इसीलिए हमें वहाँ पर टिक नहीं करना है। अब ये कौन सा पिक्चर है, कौन सा बर्ड है ये। कीवी। कीवी फ्लाई नहीं कर सकता है। ओके, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। अब ये कौन सा बर्ड है। ऑस्ट्रिच। आपको पता है ऑस्ट्रिच भी फ्लाई नहीं कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब देखो ये कौन सा बर्ड है। पैरोट। पैरोट तो आप सबने देखा होगा, है ना, पैरोट तो फ्लाई कर सकता है, तो हमें यहाँ पर टिक नहीं करना है। अब ये कौन सा बर्ड है। इसको ईमू बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ईमू। ईमू फ्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे। ओके, अब आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक लेनी है। ओके, इंग्लिश क्लास वर्क बुक। इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में हम आज ईवीएस का होमवर्क करेंगे, तो आपको पेजेस टर्न करने हैं और ऊपर पहले आज की डेट लिखनी है, फिर एक हेडिंग लिखना है ईवीएस स्पेलिंग और पेज नंबर 61। ओके, पेज नंबर, हेडिंग, आज की डेट और ये स्पेलिंग्स पेरेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद
सेम स्पेलिंग स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट को ये एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने जो लाइन में लिखा है वही लाइन में आपको भी लिखना है और साथ में बोलना है कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, तो देखो पहला स्पेलिंग कौन सा है, टी ओ आर टी ओ आई एस ई टॉर्टॉय। सेकेंड स्पेलिंग सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई क्रोकोडाइल। नेक्स्ट स्पेलिंग कौन सा है, डी ओ जी डॉग। अब एल आई जेड ए आर डी लीजार्ड। सी ए टी कैट। आर ए टी रैट। आर ए बी बी आई टी रैबिट। एस एन ए के ई स्नैक। ओके, ये स्पेलिंग आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में लिखने हैं। अब हम इंग्लिश की होमवर्क बुक लेंगे। इंग्लिश की होमवर्क बुक में और इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में हम डिफरेंट स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, तो आपको इंग्लिश की होमवर्क बुक में ये स्पेलिंग्स लिखने हैं। तो पहले ऊपर आज की डेट लिखनी है, फिर ई वी एस स्पेलिंग ऐसा हेडिंग लिखना है और पेज नंबर 65 लिखना है। अब ये स्पेलिंग लिखने हैं आपको। ओके, तो पहला स्पेलिंग कौन सा है, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। के आई एन जी एफ आई एस एच ई आर किंग फिशर। के आई डब्ल्यू आई की वी। ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच। पी ए आर आर ओ टी पैरट। ई एम यू ईमू। ओके, ये स्पेलिंग आपको इंग्लिश की होमवर्क बुक में लिखने हैं। तो बच्चों आज हम ड्राइंग में कलर करेंगे। आपको तो कलर करना बहुत पसंद है, तो उसके लिए आपको हैप्पी फेसेस आर्ट एंड एक्टिविटी की बुक लेनी है। पेज टर्न करना है और पेज नंबर 8 ओपन करना है। ओके, आज हम इस ड्राइंग में कलर करेंगे। तो आप देखो ये गर्ल क्या कर रही है पता है आपको, केक बना रही है। आप लोग आपके बर्थडे में केक खाते हो ना। ओके, तो आपको इसमें कलर करना है। तो पहले देखो ये कैप है, कैप में कौन से कलर की बॉर्डर है, ब्लू। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है। अब ये गर्ल के फेस में कौन से कलर की बॉर्डर है देखो आप, येलो। तो इसमें हमें येलो कलर करना है। अब ये जो बाउल है उसमें यहाँ पर देखो कौन सा कलर है, डार्क ग्रीन है। तो यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर करना है और बाउल के इस साइड लाइट ग्रीन कलर की बॉर्डर है, तो यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर करना है। अब ये देखो यहाँ पर कौन सा कलर है, पर्पल। तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर करना है। और यहाँ पर कौन सा कलर है, पिंक। तो यहाँ पे पिंक कलर। अब ये देखो एग्स, एग्स में कौन सा कलर है, ब्लू कलर की बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। और ये जो टेबल है बड़ा उसमें कौन से कलर की बॉर्डर है, येलो। तो यहाँ पर आपको येलो कलर करना है। चिल्ड्रन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। बच्चों क्या आप अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हो, यस। यह तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और जब वह बीमार हो तब हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आपको ये मेरी बात ध्यान रखनी है और याद भी रखनी है। ओके।